जनवरी में खबर आई है कि हीरो ने मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स क्लास में कनेक्ट और फ्रीडो नाम से दो ट्रेडमार्क्स भारत सरकार से अप्रूव कराए हैं। ट्रेडमार्क का मतलब है कोई सिंबल, शब्द या कुछ शब्दों का समूह जो कोई कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीगली रजिस्टर कराती है। क्योंकि हम जानते ही हैं हीरो मोटोकॉर्प भारत में टू व्हीलर्स बनाती है, तो ऑब्वियसली हीरो ने ये ट्रेडमार्क अपने किसी आने वाले स्कूटर या बाइक के नाम के लिए रजिस्टर कराए होंगे। अब ये नए नाम हीरो की आने वाली किसी बाइक के लिए हैं या किसी नए स्कूटर के लिए हैं, ये हमको अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो आज के वीडियो में हम कंपटीशन को देखते हुए, हीरो की एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को देखते हुए कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरो के नए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स आने वाले समय में हमारे लिए क्या क्या लेकर आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट हसल में। इन दोनों रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के लिए इंटरनेट की दुनिया में कई बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है ये दो नए स्कूटर्स हो सकते हैं, कोई कह रहा है ये दो नाम दो नई मोटरसाइकिल्स हो सकती हैं, और कोई इसे एक नया स्कूटर और एक नई मोटरसाइकिल बता रहा है। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन टटोलते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की भारतीय वेबसाइट पर इस वक्त 16 मोटरसाइकिल्स लिस्टेड हैं, जो आती हैं पेट्रोल इंजन के साथ और जिनकी इंजन कैपेसिटी है 97.2 सीसी, 113.2, 124.7, 149.2, 199.6 सीसी और 223 सीसी। इसका मतलब है हीरो के पास 100 सीसी से लेकर 225 सीसी तक हर मेजर सेगमेंट में बाइक्स हैं। अब या तो हीरो 100 सीसी से नीचे या फिर 225 सीसी से ऊपर कोई नया इंजन लेकर आए, जो एग्जिस्टिंग भारतीय मार्केट को देखते हुए थोड़ा कम प्रैक्टिकल है। और इस एग्जिस्टिंग रेंज में हीरो के पास इतनी सारी बाइक्स ऑलरेडी हैं, तो एक और प्रोडक्ट का इस रेंज में इंट्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब हीरो अपनी कोई कम चलने वाली बाइक को बंद कर दे। तो इन दोनों ट्रेडमार्क में से कोई हीरो की फेल्ड बाइक्स, अचीवर या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को रिप्लेस कर सकती है, और इस बात के काफ़ी चांसेस हैं। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक। रिवोल्ट मोटर्स की डैशिंग इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक आप जानते ही हैं। एक दो और नई कंपनीज इस फील्ड में जोर आजमाइश करने के लिए तत्पर हैं। ये कैटेगरी भी भारत में नई आई है और मेरे हिसाब से हीरो अभी इस नई फील्ड में उतरने के लिए इंतजार करेगा। तो मैं आज के वीडियो के लिए इन दोनों ट्रेडमार्क्स में से कोई भी एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक होने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करता हूँ। चलते हैं स्कूटर्स की तरफ। तो हीरो के पास हैं 6 स्कूटर्स, जो आते हैं 102 सीसी, 110.9 सीसी और 124.6 सीसी में। लड़कों के लिए माचो स्कूटर मैस्ट्रो और लड़कियों के लिए क्यूट स्कूटर वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन फेम प्लीजो। और उसके अलावा दो और खूबसूरत स्कूटर्स डेस्टिनी और डुएट। भारत में स्कूटर्स में इसके अलावा कोई और सेगमेंट बचा है क्या? किसी ने बोला 150 सीसी। बिल्कुल भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी भारत में 150 सीसी में सिर्फ दो ही कंपनीज के स्कूटर्स हैं, वेस्पा और एप्रिलिया। तो हो सकता है इन दोनों में से एक 150 सीसी का पेट्रोल इंजन स्कूटर हो, या हो सकता है हीरो अपने एग्जिस्टिंग स्कूटर रेंज में से किसी एक स्कूटर को फेज आउट कर दे। एक और पॉसिबिलिटी है, दो IIT ग्रेजुएट्स के द्वारा बनाई गई बैंगलोर की कंपनी है अथर एनर्जी। ये कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, मगर हीरो मोटोकॉर्प का इस कंपनी में 35% का स्टेक है। हीरो ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद इस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को इनक्रीज ही किया है। क्यों किया है, क्या मकसद है हीरो का, क्या हीरो इन दो ट्रेडमार्क्स में से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने की सोच रहा है? अभी हमने TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रियोन के जल्दी ही लॉन्च होने की खबरें सुनी। बजाज अपने फ्लैगशिप स्कूटर चेतक को वापस लेकर आया एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में। ओकिनावा भारत में शानदार परफॉर्म कर ही रही है। इसके अलावा एम्पियर, A1, प्योर और कई और इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी हैं। होंडा और सुजुकी के भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के आने की खबरें आजकल कानों में पड़ी रही हैं। वैसे हीरो हीरो इलेक्ट्रिक नाम से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाता ही है और इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी मॉडल्स ऑलरेडी आते हैं। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर इन दोनों ट्रेडमार्क्स में से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है तो वो हीरो इलेक्ट्रिक के बैनर में आएगा या फिर हीरो मोटोकॉर्प के बैनर तले। चूंकि हीरो मोटोकॉर्प ऑटो एक्सपोर्ट एंड नहीं करेगी और अभी कोई और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है इन दोनों ट्रेडमार्क्स के रिगार्डिंग, तो अभी आपको और मुझे इन दोनों ट्रेडमार्क की डिटेल जानने के लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप नीचे अपने कमेंट दीजिए और बताइए आप क्या सोचते हैं इन दोनों ट्रेडमार्क के बारे में। मैं इस वीडियो को ही खत्म करूंगा और एक्सपेक्ट करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर करेंगे। ऐसे ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए अपने चैनल राइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।